हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हाउ टू प्ले योकर्स जो सीरीज़ है हमारी, उसकी एपिसोड 3 लेकर आए हैं। और आज हम आपको बताएंगे 3 शॉट जो आप योकर्स पे खेल सकते हैं। इसमें टाइम इसलिए लगता है कि हम वो शॉट सेलेक्ट करते हैं जो रिस्क फ्री हो या उनमें कम से कम रिस्क हो और ईजिली एग्जीक्यूट हो सके। तो हम अपने पहले शॉट की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो शॉट है 443 है और ये 1 PM पे है। और ये हर किस्म के बैट्समैन जो हैं ये शॉट खेलते हैं, चाहे वो रेडिकल हो, चाहे वो बैलेंस्ड हो, चाहे वो ब्रूट हो, चाहे वो डिफेंसिव हो। ये 1 PM का शॉट है और इस शॉट को फ्रंट फुट पे हम खेलेंगे। और ये शॉट नंबर 443 है और इस शॉट को आप थोड़ा सा स्पेस बना के खेलते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं बनाते। आप बॉल की स्विंग देखकर स्पेस बनाते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आप हट के इसको खेलते हैं। तो आइए इस शॉट के ना एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं। अब ये मैच में आप देखें, हमारे पास जो है मीडियम पेस बॉलर है और ये हमें वाइड बॉल कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है स्लो बॉल करेंगे। तो हम एक स्टेप हटे, हमने 1 PM पे थोड़ा सा लेट खेला शॉट और आप ये देखें सही से कनेक्ट हुआ और ये 6 हो गया। इस शॉट की खासियत यही है कि आपने इसको थोड़ा सा लेट खेलना है और आपने एक स्पेस बना के खेलना है बॉल से 1 स्टेप हट के। अब देखें ये बॉल जो है वो इनस्विंग हो रही है, तो हमने एक स्टेप हटे हम और हमने इसको 1 PM खेला और फिर हमने थोड़ा सा स्लो खेला इसको। हम इसको लेट खेलेंगे ताकि ये शॉट जो है सही से कनेक्ट हो, और इस बार जो है हम लेट हो गए इसलिए ये 4 रन्स हो गए। अब हम आपको दोबारा दिखाते हैं, ये दूसरी बॉल देखें, ये इन्होंने हमें आउट स्विंग की है और ये इन्होंने हमें विकेट पर रखे, हम एक स्टेप हटे और हमने इसको फिर लेट खेला। आप ये देखें सही से कनेक्ट हुआ और ये बिल्कुल 6 हो गया। तो ये शॉट ईजी है, आपने बस एक स्टेप हटना है और आपने थोड़ा सा लेट खेलना है, तो ये शॉट जो है 1 PM का 443 कनेक्ट हो जाएगा। अब आप स्पिनर पे देखिए, स्पिनर पे हमने इन्होंने पूरी हमें जो है लेग स्पिन किया, हम एक स्टेप हटे और हमने 1 PM को फिर लेट खेला और आप ये देखिए जो है वो 6 हो गया। इसके और टाइमिंग का जो ट्रिक है वो ये कि आपने पेस देख के थोड़ा सा इसको लेट खेलना है, जैसे ही आप लेट खेलेंगे ये 6 कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए इस शॉट की एक और ये खासियत है कि अगर ये योकर से थोड़ा सा बाहर भी हो, जब भी ये शॉट जो है कनेक्ट हो जाता है। देखें हम आए, हमने बॉल की लाइन को कवर किया, एक स्टेप हम उनसे अवे थे बॉल से और हमने इसको फिर थोड़ा सा लेट खेला और हमें जो है वो 4 मिल गया। तो ये जो शॉट है ये यॉर्कर के लिए भी बिल्कुल इफेक्टिव है, यॉर्कर से थोड़ा सा पीछे गुड लेंथ बॉल के लिए भी। अब ये देखें फुल लेग स्पिन किया इन्होंने, में बल्कि फ्लिपर किया है और हमने एक स्टेप हटे और हमने फिर इसको लेट खेला और देखें परफेक्ट टाइम हुआ और ये 6 हो गया। तो ये शॉट जो है ये ईजीली एग्जीक्यूट हो जाता है, आपने एक स्टेप हटना होता है और थोड़ा सा लेट खेलेंगे तो ये शॉट हो जाता है। अब हम दूसरे शॉट की तरफ देखते हैं, ये स्ट्रेट का शॉट है और ये शॉट नंबर जो है ये 481 है। और ये भी चारों किस्म के बैट्समैन जो हैं ये खेलते हैं ये शॉट, चाहे वो ब्रूट बैट्समैन हो, चाहे वो डिफेंसिव बैट्समैन हो, चाहे वो रेडिकल बैट्समैन हो, चाहे वो बैलेंस बैट्समैन हो। इस शॉट की खासियत ये है कि इसको आपने थोड़ा सा लेट खेलना है ये शॉट बॉल की पेस देखकर, और इसको भी आपने एक स्टेप जो है वो अवे रखना है आपने बॉल से। तो आइए इस शॉट की एग्जीक्यूशन देखते हैं किस तरह ये एग्जीक्यूट होता है। अब आप ये देखिए फास्ट बॉलर हैं और इन्होंने हमें फिर वाइड बॉल की है, अब हम एक स्टेप हटेंगे और इन्होंने हमें बॉल की है स्लो थी, हमने इसको थोड़ा सा लेट खेला, देखें परफेक्टली टाइम हुआ, कनेक्ट हुआ और ये 6 हो गया। तो इस शॉट की यही खासियत है कि आपने एक स्टेप अवे रखना है अपने आप को बॉल से, एक स्टेप मूव करना है और थोड़ा सा आपने लेट खेलना है। अब ये देखिए बॉल फुल इन स्विंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि हम वहीं खड़े रहेंगे और हम इसको फिर लेट खेलेंगे, देखें बिल्कुल कनेक्ट हुआ और ये 6 हो गया। कभी कभी ऐसा होता है प्रेशर में कि आप अपनी स्पेस छोड़ देते हैं और आप बॉल की लाइन नहीं समझ पाते, तो आपने देखना है कि आप ऑलरेडी किस पोजीशन पे और बॉल कहाँ लैंड करेगी, उस लिहाज से आप शॉट खेलेंगे। अब देखें ये फुल इन स्विंग हो रही है, इस बार जो है इन्होंने क्या किया है कि हमें विकेटों में रखा है, इसलिए हम एक स्टेप हटे और हमने इसको फिर लेट खेला। इस बार जो है ये हम लेट हो गए टाइमिंग के अंदर, लेकिन कोई फील्डर नहीं था तो इसलिए 4 हो गया। तो ये शॉट जो है ये भी काफ़ी रिस्क फ्री है और थोड़ा सा रिस्क है इसमें, लेकिन इतना रिस्क नहीं है। अब जो ये शॉट है ये सबसे बेस्ट शॉट है और ये तकरीबन 0% इसमें रिस्क है और ये सिर्फ ब्रूट बैट्समैन खेलता है और ये शॉट 175 नंबर है और ये बेस्ट शॉट है। और आपने इसमें सिर्फ एक स्पेस बना के ये शॉट खेलना है, और अगर आप एक स्पेस या 2 स्पेस भी बनाएंगे जब भी ये कनेक्ट हो जाएगा, आप देखें ये एग्जैक्टली लगता है किस तरह ये शॉट। आप देखें हमने एक स्पेस बना के रखा और इसको भी हमने लेट खेलना है और हम लेट खेलेंगे तो ये परफेक्टली टाइम होगा और ये 6 होगा। इस शॉट की खास बात ये है कि अगर आप एक स्टेप मूव करते हैं या 2 स्टेप मूव करते हैं जब भी ये शॉट कनेक्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी रिस्क फ्री शॉट है। और मैंने ये देखा है कि मैचेस में प्लेयर्स यही शॉट खेल रहे हैं। अब देखें हम 2 स्टेप हटे, हमने इसको लेट खेला और ये 6 हो गया।
बॉल की मूवमेंट देखकर आपने इस शॉट को खेलना होता है, जाहिर है उन्होंने हमें फुट में रखा था, तो इसलिए हम जो है दो स्टेप मूव किया। अब आप देखिए दोबारा जो है हमें बॉलिंग कराएंगे बॉलर, और आप ये देखें कि अब ये कहाँ हमें कराते हैं बॉल। अब जो है ये हमें दोबारा इन स्विंग कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये विक्टो में कराएंगे। हम एक स्टेप हट जाते हैं पहले से ही, ज़रूरी नहीं कि आप पहले से हटें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो हट जाएं। अब देखें फुल इन स्विंग थी, इसलिए हम ये दो स्टेप हटे और हमने ये शॉट खेला और ये कनेक्ट हुआ और फोर हो गया। अगर मैं ये वन स्टेप भी हटता तो जब भी ये शॉट कनेक्ट हो जाता है, ये शॉट की ये ख़ास बात है और ये काफ़ी हद तक रिस्क फ्री है। तो आई होप आपको ये हमारी एपिसोड पसंद आई होगी, और हम इसमें टाइम इसलिए लगाते हैं कि रिस्क फ्री शॉट और जो शॉट एग्जीक्यूट हो सके वो हम आपके लिए लेके आएँ। सो टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।